ये जो पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं एक विल हमेशा रही है कि इसको किसी कीमत पर ऐसे ना खड़ा किया जाए कि सामने वाला विलन घोषित हो जाए आ, अभी अभी एक अभी एक ट्वीट आया ना उस ट्वीट में बाकायदा आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीपी सिंह साहब थे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी झूठ है जगमोहन जी जब आए तभी कश्मीरी पंडितों को निकाला गया उससे पहले तो कश्मीरी पंडितों को खरोच तक नहीं आए। नहीं ये एकदम एकदम यानी इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है एक इसको मैं फैक्चुअली क्लैरिफाई करता हूँ नंबर वन जगमोहन साहब जो हैं अठारह तारीख को अठारह जनवरी को फारूक अब्दुल्ला जी ने रिजाइन किया था तो और छोड़कर चले गए थे वहां से तारीख को जगमोहन साहब पहुंचे हैं और उनका प्लेन जम्मू में अटक गया था तो 21 को वो श्रीनगर पहुंचे ना कमिश्नर पुलिस तक कुछ भी नहीं था वहां पर और ये सारा, सारा प्रॉब्लम इसलिए हुआ और ये फैक्चुअली सारी उन्हीं की किताबों में लिखा है मैं तो जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से पढ़ा है सब हुआ क्या कि जो कमिश्नर पुलिस थे उन्होंने फारूक साहब को मना किया था कि सीआरपीएफ को आप गांव से ना हटाइए और शहर में मत ली क्योंकि सारे आतंकी गांव में हैं। हाँ। फारूक साहब ने उनको बुलवा लिया सत्रह तारीख को शहरों में पूरी सीआरपीएफ को गांव छोड़ के और खुद रिजाइन अठारह को करके चले गए अब सीआरपीएफ CRP, सीआरपीएफ को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था कि वापस गांव में जाओ और सारे आतंकियों ने निकला और सारे मस्जिदों को टेक ओवर कर लिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐलान करके झंडा गाड़ने गए जब छब्बीस तारीख को झंडा गाड़ने वाला था वो तो जगमोहन साहब थे जिनने रुकवाया उसको तो ये झूठ फैलाया गया है बिना बात का बिल्कुल और तो अभी भी, भी फैला रहे हैं अभी भी ऐसा नहीं कि अभी तो, ये तो भी दो दिन पुरा, आ, पुराना ट्वीट है अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं नंबर्स दे रहे हैं कि इतने कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ और इतने कश्मीरी मुसलमानों का हुआ है उनकी तो कोई बात मैं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं या एक बहुत ईमानदारी से सवाल पूछता हूं और हर आदमी भारत का अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दे जिनकी पार्टी ये बात उठा रही है कि भाई इतने नहीं उतने मरे थे इतने नहीं उतने मरे थे ठीक है जो आप कहते हैं जितने मरे थे मैं मानने को तैयार हूँ अब आप तो आपकी तो सिटीजनशिप इटली की है आप एक बार जब इटली अपने ननिहाल या अपने माता माल जाएं, तो वहां पे बस इतना ही सवाल कर लीजिएगा नहीं साहब छह मिलियन नहीं मरे थे चार मिलियन मरे थे या पांच मिलियन मरे थे ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था तो जेल चले जाएंगे इस, इस चीज का ख्याल रखिएगा वो उसका जिक्र कर रहे है। हाँ। तो गो बिहाइंड द बार्स क्योंकि होलो कॉस्ट डिनाइल ऑफ होलो कॉस्ट के लिए आपको सजा हो सकती है जिंदगी भर की पोलैंड में तो लाइफ टाइम इंप्रीव नो क्वेश्चन उसमें सवाल उनने ऐसा लॉ बनाया कहते इसमें सवाल ही नहीं उठेगा बात ही नहीं कर सकते आप बस ये था सारे नाम बदल दिए उन्होंने हम हो होकर आए अपने बच्चों को ले गए थे सारे नाम बदल दिए पर भारत में हम लोग अभी भी सवाल उठाते हैं इस बात पे क्या फर्क पड़ता है चार हजार मरे या दो हजार मरे नंबर हैं क्या वो स्टैटिस्टिक्स हैं क्या भारत का एक आंकड़ा है अस्सी तो तक आ गए अठासी पे आ गए बताइए आप अभी वो आठ पे आएंगे लिख के लीजिए आप क्लिप बचा लीजिएगा इसको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे